नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2021 की दरमियानी रात को थाना के ग्राम बखारी में अज्ञात चोरों द्वारा प्रार्थी अशोक साहू के घर पर धावा बोलकर 4,49,000 रुपये नकद एवं 780 ग्राम सोने के जेवरात चोरी कर ले गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुधीपारुल शर्मा एवं थाना प्रभारी बडोल को पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु आदेशित किया गया। प्रार्थी के बताए अनुसार प्रथम दृष्टया मामला अत्यधिक गंभीर होने की आशंका पर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में आरोपियों की तलाश पतासाजी। अज्ञात आरोपियों की तलाश पतारसी के दौरान दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति बस में बैठकर बारी से सिवनी की तरफ आ रहा है, जिसके पास बैग में कुछ भरा हुआ है तथा व्यक्ति चोरी की घटना में आए व्यक्तियों के जैसा दिख रहा है। जिसकी सूचना पर पूर्व से रवाना की गई टीमों को सूचना देकर तत्काल पैनगंगा नदी के पुल के पास घेराबंदी की गई एवं ग्राम बखारी की ओर से आ रही बस को बैनगंगा नदी के पास रोककर उसमें तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठा मिला, जो पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर पुलिस को गुमराह करने लगा। संदिग्ध व्यक्ति को बस से उतारा गया एवं उसके कब्जे में रखे बैग की तलाशी ली गई, जिसमें बैग के अंदर 500 रुपये एवं 2000 के कुछ नोट मिले। संदेही एवं उसके पास मिले बैग को टीम द्वारा थाना लाकर बैग में रखे रुपयों के संबंध में हिकमतमी से पूछताछ करने पर संदेही ने अपना नाम धर्मेंद्र धुर्वे बताया एवं 2 दिन पूर्व ग्राम बखारी में बाजार चौक के पास अपने साथियों के साथ मिलकर जबलपुर से बोलेंगे एवं कार से आकर सामने के चैनल गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर अलमारी तोड़कर एवं तिजोरी के ताले खोलकर उसमें रखे नकदी रुपए एवं सोने चांदी के जेवरात चोरी करना तथा चोरी किए गए माल को जबलपुर में जाकर सभी साथियों के साथ बंटवारा करना बताया। संदेही की निशानदेही पर तत्काल 2 टीमों को जबलपुर मंडला एवं डिंडोरी रवाना किया गया। जबलपुर में कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 के पास चाय नाश्ता की दुकान के बाजू में 5-6 लोग खड़े दिखाई दिए, जिन्हें संदेही द्वारा बताया गया कि यह सभी मेरे साथ चोरी की वारदात में शामिल थे, जिन्हें स्टाफ के साथ घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं पृथक पूछताछ की गई। पूछताछ में उक्त आरोपियों द्वारा चोरी की वारदात में जाना एवं रुपए आपस में बांटना, सोने के जेवरात को व्यापारी गोलू शराफ नवदीप ज्वेलर्स जबलपुर वाले को बेचकर 23 लाख रुपए लेकर आपस में बांटना बताया। आरोपियों के द्वारा चोरी की वारदात के लिए 3 अलग अलग कार का उपयोग किया गया, जिन्हें पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों से जब्त किया गया है, जिसमें एक बोलेरो वाहन एवं 2 छोटी कार शामिल है। आरोपी धर्मेंद्र निवासी भीमपार से 2,63,000 रुपये नकद एवं एक मोबाइल फोन। आरोपी अमित सिंह निवासी जबलपुर से 5,15,000 रुपये नकद एवं एक टाटा जेस्ट कार क्रय MP20CE5494। आरोपी राधेश्याम हाल मुकाम डूंडा सिवनी से 30,000 रुपये नकद एवं एक मोबाइल फोन। आरोपी पवन से निवासी घमापुर जबलपुर से 2,53,000 रुपये नकद एवं एक मोबाइल फोन। आरोपी सनी जोजक जबलपुर से 2,60,000 रुपये नकद एवं एक मोबाइल फोन। आरोपी द्वारका निवासी जबलपुर से 2,60,000 रुपये नकद एवं एक मोबाइल फोन। आरोपी देवेंद्र पाठक निवासी हनुमानताल जबलपुर से 4,29,000 नकद एवं एक मोबाइल फोन। आरोपी राजेश कुमार चौधरी निवासी मुंगवानी रोड सिवनी हाल मुकाम विजयनगर जबलपुर से 7,00,000 रुपये नकद एवं एक बोलेरो कार क्रय MP34TE1555 एवं एक मोबाइल फोन। फरार आरोपी राजेश भांगरे उर्फ खन्ना निवासी विजयनगर जबलपुर के घर के सामने से एक I-20 कार बरामद की गई। थाना प्रभारी बंडोल PL देशमुख, विष्णु वर्मा, महेश दुबे, BS प्रजापति, देवेंद्र जयसवाल, योगेश राजपूत, अमर उइके, अभिराज सिंह ठाकुर, परवेज सिद्दीकी, अजय बघेल, पुष्पा बघेल, विनय चौरिया थाना बंडोल से, ब्रिजेंद्र लोखंडे, विश्राम धुर्वे, दीपेश रघुवंशी, नीरज राजपूत, रूपेंद्र पाल 113, सुधीर डेहरिया, राजेश सईयाम, सतीश पाल, मालती डेहरिया, कुसुमलता ढाकरिया, सैनिक 51 रामसुख धुर्वे का योगदान रहा। सिवनी से फिरोज खान। और इनका रिमांड लेकर हम कोशिश करेंगे कि और खुलासे अन्य केसेस में भी हो सके। इसमें 11 लोग जो आरोपी हैं, उनमें से एक जो है रिकॉर्डेड आरोपी है, पहले भी जेल में रह चुका है काफी समय तक। इसके अलावा एक आरोपी जो है वो सहायक आबकारी अधिकारी है और एक आरोपी एक्स आर्मी मैन। इस तरह से 11 लोगों का एक गैंग पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसमें से 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 आरोपियों की तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाए।